हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंडियन हिस्ट्री के हैं और वन लाइनर क्वेश्चन हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर टिक कीजिए, ताकि कोई भी अपडेट हो वो मिल सके। आपको मेरे चैनल पे HPG के करंट अफेयर, पैडागोजी, TGT आर्ट्स कमीशन की वीडियोस और प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए करंट अफेयर और HPG के जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे हमारे वॉरेन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और ये कब से कब तक थे? ये थे 1773 से लेकर 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल जो रहे थे। और अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कि कौन है, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे हमारे ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल थे। अगर आपको फ्री इंडिया का पूछा जाए तो वो हैं सी राजा गोपालचारी जी। तो ये गवर्नर जनरल से रिलेटेड जो हैं क्वेश्चंस हैं, जो मैंने, अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख ले, उसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट वाइस राय, सब कुछ बताया है, तो वो देख लें। फर्स्ट एंड लास्ट सब कुछ बताया है उसमें। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो सबसे पहले जो थे वो यूरोपीय, कौन सा यूरोपीय देश थे, वो था पुर्तगाल। तो पुर्तगाल जो थे वो सबसे पहले आए थे, उसके बाद डच आए थे। तो सबसे पहले जो यूरोपीय, जो ये पुर्तगाली था, कौन आया था, वो था वास्को डी गामा, जो भारत के तट पर आया था। नाउ थर्ड क्वेश्चन, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अपना अधिकार कर लिया था? तो ये थे हमारे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये जो थे ये पुर्तगाली जो थे वायसराय बनकर जो थे भारत आए थे। और इन्होंने जो है कब किया था ये गोवा पर अधिकार, इन्होंने जो है 1510 ईस्वी में जो है ये गोवा पर जो है अधिकार कर लिया था। और ये सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें कि गोवा को जो है इन्होंने किस सुल्तान से छीना था? तो वो थे बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया था इन्होंने गोवा को। और ये 1510 ईस्वी में जो है गोवा को छीनना था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है यहाँ से कि किस पुर्तगाली ने यही वाला कि गोवा पर अधिकार किया था, वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। सेकेंड पूछा जाता है कि कौन से सुल्तान से, बीजापुर के सुल्तान से। थर्ड पूछा जाता है कब छीना था, वो छीना था 1510 ईस्वी में। या फिर ये पूछ सकते हैं गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था, तो वो था 1510 ईस्वी पे। और कौन से सुल्तान से, बीजापुर के सुल्तान से। तो ये दो तीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है पुर्तगालियों से रिलेटेड। नेक्स्ट है, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो ये जो थे ये भारत के पहले पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर जो है आए थे। और ये कब आए थे भारत में, ये आए थे 1505 ईस्वी में जो थे ये आए थे। और इन्होंने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये अपनाई थी, और इसका उद्देश्य यही था कि जो हिंद महासागर है उसको पूरी तरह से कंट्रोल करना। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये हैं हमारे अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक जो है वो माना जाता है, जो कि हमारे वायसराय भी हैं। ठीक है,
और ये गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे वो पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल हैं, और ये फर्स्ट वायसराय बनकर आए थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्को डी गामा भारत कब आया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बास्को डी गामा से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला पुर्तगाली था जो कि इंडिया में आया था। कब आया था? ये आया था 1498 में। और सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? तो वो था कालीकट, कालीकट में उतरा था। कालीकट है क्या? कालीकट जो है एक दक्षिण समुद्री पश्चिम भारत में स्थित एक फेमस, सॉरी दक्षिण पश्चिमी भारत में स्थित एक समुद्री बंदरगाह है, दक्षिण पश्चिमी में है ये। और यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि जब बास्को डी गामा आया था तो उसका स्वागत किसने किया था? तो वो कालीकट के जो राजा थे जमोरिन, जमोरिन जमोरिन राजा, उन्होंने जो था उनका स्वागत किया था। और पुर्तगाली जो थे, जो ये थे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर ये है कि वास्को डी गामा ने की थी। और पुर्तगाली जो थे वो पहले यूरोपीय थे जिन्होंने जो थे भारत तक सीधा समुंदर का रास्ता जो है खोज निकाला था। तो ये थे पुर्तगालियों से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ये की थी हमारे बाजीराव ने। और ये कब की थी उन्होंने संधि? ये की थी 31 दिसंबर 1802 में की थी बेसिन की संधि। और इस संधि के अनुसार ये था कि दोनों पक्षों को जब संकट आएगा तो एक दूसरे का साथ देने का वचन किया था। ये हुई थी ब्रिटिश सरकार और बाजीराव के बीच में, ठीक है। बेसिन की संधि ये पूछ सकते हैं किसके बीच में हुई थी? बाजीराव और ब्रिटिश के बीच में हुई थी, ब्रिटिश सरकार जो है उसके बीच में हुई थी। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? तो ये दी थी हॉकिंग्स को, विलियम हॉकिंग्स को, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था, एक व्यापारी था। और ये जो है ये पहला अंग्रेज था जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। और क्यों आया था? ये मेनली जो है एक दूत के रूप में आया था, जो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम थे उन्होंने जहांगीर के नाम पे एक पत्र लिखा था, उसको लेके जो है ये 1608 ईस्वी में जो है ये आया था। और इसको जो है तुर्की और पारसी भाषाओं का बहुत नॉलेज था, इसलिए इनको जो है जहांगीर ने जो है ये खान की उपाधि जो है प्रदान की थी। नेक्स्ट है, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो वो थे शाह आलम द्वितीय, उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 31 दिसंबर 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांडी वंश का युद्ध कब हुआ था? तो पहले तो मैं ये बता दूँ किस किस के बीच में हुआ था। ये बांडी वंश का युद्ध जो है ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में हुआ था। तो ये हुआ था ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना के बीच में हुआ था। और इसमें जो है फ्रांसीसी सेना जो थी वो हार गई थी। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांडी वंश के युद्ध में जो था अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो कर रहे थे सर आयर कूट। अंग्रेजों का नेतृत्व बांडी वंश के युद्ध में कौन कर रहा था? वो थे सर आयर कूट। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था पांडी वंश का युद्ध, इनमें फ्रांसीसी सेना जो है हार गई थी। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? तो ये पड़ी थी 1835 में। तो इससे रिलेटेड जो है वीडियो आप जरूर देखें जो मैंने कमीशन के ऊपर डाल रखी है, एजुकेशनल कमीशन के ऊपर, जिसमें मैकॉले मिंट वगैरह बताया हुआ है, उसमें मैंने सारा कुछ डिटेल में बताया है। तो वो एक बार जरूर देखें, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी आपको। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक टिकट किसने आरंभ की थी? डाक टिकट जो है भारत में वो लॉर्ड डलहौजी ने
जो है वो आरंभ की थी। और सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? प्रथम डाक टिकट कब जारी किया था? तो ये किया था 1852 में। और एक और बात बता दूं, जो लॉर्ड डलहौजी हैं उनको जो है भारत में रेलवे का जनक भी बोला जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक, ठीक है, रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। और उन्हीं के प्रयासों के से जो था वो 1853 में जो बॉम्बे से ठाणे तक जो प्रथम रेलगाड़ी चली है बॉम्बे से ठाणे, वो इन्हीं के प्रयासों से चली है, लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों से चली है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि रेलवे का जनक किसे बोलते हैं। और डाक टिकट का आरंभ भी लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। नेक्स्ट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो ये थी हमारे वॉरेन हेस्टिंग से, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं उनसे रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए महाराणा रणजीत सिंह जो थे वो लीडर थे सिख एम्पायर के, और उनके उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। नेक्स्ट है, स्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? परमानेंट स्थाई बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट। तो ये बंदोबस्त जो है ये कब दिया गया था? ये दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 ईस्वी में दिया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें निश्चित भूमि के लिए एक निश्चित कर स्थायी रूप से जो है निर्धारित कर दिया गया था। मीन्स कि इसमें ये कर दिया गया था कि इतनी एकड़ भूमि है तो इतना ही कर जो है वो लगेगा, इससे ऊपर नीचे नहीं लगेगा, मतलब स्थायी परमानेंट था वो, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? सहायक संधि प्रणाली के जनक थे लॉर्ड वेलेजली। और इसमें जो है इस संधि का मैं आपको बता देती हूँ, सहायक संधि एक्चुअल में क्या थी। तो इस संधि के अकॉर्डिंग था कि जो भारत राज्य है, जो भारत राज्य शासक हैं उनको ब्रिटिश सेनाओं को जो है अपने राज्य में रखना पड़ेगा। मतलब भारत को कोई भी शासक है उसको ब्रिटिश सेना को अपने राज्य में रखना पड़ेगा। और सेकंड ये बोला था कि जो भारतीय शासकों का दरबार है वो उनमें एक ब्रिटिश रेजिडेंट होना चाहिए। और थर्ड ये बोला था कि अंग्रेजों की बिना स्वीकृति के किसी और यूरोपीय शासक से भी अपनी जो है मतलब इंट्रैक्शन या अपनी सेवा नहीं दे सकता था। और इसके बदले जो है शासकों को जो है ये वचन दिया जाता था कि उनका जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, जब भी कोई संकट आएगा तो वो ब्रिटिश सेना जो है उनकी रक्षा करेगी। सहायक संधि यही थी कि जो हमारी भारतीय शासक थे उनको जो है ब्रिटिश सेनाओं को जो है अपने साथ रखना पड़ना था, उनके अकॉर्डिंग ही, मतलब उनके परमिशन के बिना वो किसी और देश के साथ जो है अपने रिलेशन नहीं बना सकते या अपनी सेवा नहीं दे सकते थे। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी केस में दिल्ली का शासक कौन था? तो ये था शाह आलम द्वितीय। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 मार्च, ये तो मेंशन किया ही है 1764। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है बक्सर का कि किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउदौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम, इन तीनों ने जो है संयुक्त सेना, ये तीनों की जो है इकट्ठी सेना जो थी वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ये तीनों, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउदौला और मुगल बादशाह शाह आलम, तीनों की संयुक्त सेना जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ी थी, जिसमें जो है ये ब्रिटिश कंपनी जो है वो जीत गई थी। तो फ्रेंड्स, और एक और बात बता दूं कि जो बैटल्स रिलेटेड मैंने एक जो है वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने ट्रिक्स
जो हैं वो भी बताई हैं, और ट्रिक्स बहुत ही ईजी हैं, जो आप डेली जो वर्ड्स बोलते हो वही उसमें यूज़ हुए हैं, तो वो आप ज़रूर देखें। मैं इसके लिंक में भी वो सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक डाल दूंगी। नेक्स्ट है, किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ये है वॉरेन हेस्टिंग, सॉरी, इनके समय में जो है ये कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जाट राजा को जाटों का अफलातून कहा जाता है? तो ये है सूरजमल, सूरजमल को जो है जाटों का अफलातून या फिर जाटों का प्लेटो, जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। और ये जो थे ये राजस्थान के भरतपुर के रूलर थे, सूरजमल जो थे वो राजस्थान के भरतपुर के शासक थे, ठीक है। इनको जो है जाटों का अफलातून या जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राजा महाराजा रणजीत सिंह, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो वो थे लाहौर को जो है इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया था, उसके बाद ही इनको जो है महाराजा की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? जुलाई 1799 को, जब इन्होंने जो है लाहौर को अपने अधीन ले लिया था। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो आपको पता है रणजीत सिंह जो थे वो सिखों के राजा, ये पंजाब के बोल सकते हो आप, तो वहाँ के थे, तो इनके बीच जो है अमृतसर की संधि हुई थी। तो ये संधि जो है कब हुई थी? ये हुई थी 25 अप्रैल 1809 को, ठीक है। और किसके बीच में हुई थी? रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जब अमृतसर की संधि हुई थी तो उस टाइम पे एक भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड मिंटो, जो थे वो गवर्नर जनरल थे भारत के जब अमृतसर की संधि हुई थी। और ये संधि मेनली क्या थी? इस संधि के अकॉर्डिंग ये था कि इन्होंने पंजाब की जो रियासतें थी वो बांटी थी, जो सतलुज पार की पंजाब की रियासतें थी वो अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई थी, और जो सतलुज के पश्चिम में पंजाब राज्य था उसको जो है रणजीत सिंह के अंडर कर दिया गया था। तो ये थी अमृतसर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने गोद प्रथा पे जो थे वो प्रतिबंध लगा दिया था। एक्चुअल में गोद प्रथा थी क्या? इस प्रथा के अकॉर्डिंग ये था कि जिनके पुत्र नहीं होता था या जो संतानहीन शासक था उसको उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी गई थी, और इसका साइड इफेक्ट ये था कि जो क्योंकि उत्तराधिकारी नहीं था तो उसका जितना भी जो राज्य था वो अंग्रेजों के साम्राज्य में मिला दिया गया था, ठीक है। क्योंकि पहले गोद ले लिया जाता था, जिनके पुत्र नहीं होता था वो गोद ले लेते थे, बट लॉर्ड डलहौजी ने ये प्रथा बंद कर दी, और जिसको जो जिसकी वजह से जो है जो अंग्रेजों था उनको काफ़ी फायदा हुआ था। नेक्स्ट है, किस काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो ये है वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में जो है, ये राजस्व सुधार भी इसको बोल सकते हैं हम। तो इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो 5 साल ठेके पर दी जाती थी, भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, जैसे ठेके पे जमीन देते हैं उससे रिलेटेड था, ये राजस्व सुधार से रिलेटेड था। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल सुधार शिक्षा सुधार के लिए माना जाता है? तो ये है विलियम बेंटिक जो है का कार्यकाल जो है वो शिक्षा सुधार के लिए माना जाता है। तो इसे कमीशन से, एजुकेशन कमीशन से वीडियो आप जरूर देखें, उसमें भी मैंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये है लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मेटकॉफ थे उन्होंने जो भारत में समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध थे उनको, सभी प्रतिबंधों को इन्होंने हटा दिया था, इसलिए उनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने की थी।
और कब की थी नाम कमीशन की स्थापना, ये की थी 1852 में, और इसका उद्देश्य ये था कि जो भूमि कर रहित तो जागीर है उनका पता लगाकर उन्हें छीनना। ठीक है, तो इनाम कमीशन जो है लॉर्ड डलहौजी ने 1852 में दिया था। नेक्स्ट है, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% जो है वसूला जाता था, तो ये है रैत बाड़ी व्यवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो जरूर देखें। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैत बाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी, क्या थी, वो सब कुछ मैंने डिटेल में वहाँ पर बताया हुआ है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और मैंने प्लेलिस्ट, बच्चे बोल रहे थे प्लेलिस्ट, मैम प्लेलिस्ट में वीडियोज़ ऐड करें, तो मैंने वीडियोज़ ऐड कर दी हैं HPGK में, HPGK वाली, करंट अफेयर्स अलग से, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन, तो वो आप जो हैं वहाँ से डिटेल में जो हैं वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। और फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड अगर कोई तैयारी कर रहा है HPTGT आर्ट्स कमीशन की, उसके साथ आप वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं क्योंकि प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन मैंने देखे हैं किस तरह के क्वेश्चन वो डालते हैं, तो मैंने टॉपिक तो काफ़ी पकड़े हुए हैं। अभी देखो और कितनी हेल्प मिलती है आपको, तो मैं तो कोशिश कर ही रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प मिल सके। तो देखते हैं कैसा आता है इस बार एग्ज़ाम। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड गुड नाइट।